और जब पाप का प्रायश्चित किया तो तुरंत विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, ऐ राम, चरण कमल रज चाहति, कृपा करो। अपने चरणों के रज इसका रज से ही उद्धार करो। क्यों? क्योंकि इसका पतन जो हुआ है तो रज से ही इसका पतन हुआ है। रज माने रजो। रजोगुण से इसका पतन हुआ है और रजोगुण से ही इसका उद्धार करो। इससे समाज में एक संदेश जाएगा कि जो रजोगुण काम से जुड़ जाता है वो रजोगुण पतन का कारण बनता है और जो रजोगुण राम से जुड़ जाता है वही उसके उद्धार का कारण बनता है। रहने के लिए कोठी दी, चलने के लिए गाड़ी दी, बंगला दिया है। तो ये तो भगवान की कृपा है। भाई जिसके पास को जाइए वो तो कहेगा बेकार है, बेकार है। आपका भी कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे हमारे कन्हैया नगर के पास सब पर जितने लोग आए हैं सब पर भगवान मनाली, मनाली कहां, हाँ कुल्लू मनाली क्या ऐसे ही कुछ बोलते हैं। लेकिन नहीं, हमारे कन्हैया नगर के भक्तों ने विचार किया कि नहीं नहीं, हम लोग तो श्री धाम अयोध्या भी जाएंगे और श्री राम जन्म भूमि में अयोध्या धाम में जो सप्तपुरियों में एक। अब आए सब लोग रजोगुण से जुड़े, लेकिन रजोगुण के साथ राम से जुड़े तो बोलो इसके उद्धार में कोई संशय है। आगे बढ़े, वैसे कुछ संतों का मत है कि भगवान ने अपना चरण नहीं छुआया। भगवान गए और जहां इतना पत्थर बनी पड़ी थी उधर यो खड़े हुए अपना पैर उठाया, हवा का झोंका आया, भगवान के चरणों की धूल निकली, उस पत्थर पर जाकर गिरी और जैसे ही गिरी उसी समय माता अहिल्या अपने रूप में प्रकट हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परसत पद पावन सोत।